हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरी किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इंस्टेंट आम की छुंदा की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ट्रेडिशनल छुंदा बनाने में तो 8 से 10 दिन लग जाते हैं, पर ये इंस्टेंट छुंदा है, ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होता है और इसे हम कई महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस इंस्टेंट छुंदे की रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम आम का इंस्टेंट छुंदा बनाना शुरू करते हैं। इंस्टेंट छुंदा बनाने के लिए हमने जो सामग्री लिया है वो है 4 आम, जिसे हमने धो के सुखा लिया है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। जरूरत के अनुसार हम नमक, हल्दी, लाल मिर्च, जीरा पाउडर यूज करेंगे और 1/2 किलो हमने शक्कर लिया है। तो सबसे पहले हम आम का छिलका उतारेंगे। तो हम एक मैंगो लेंगे और एक पीलर की मदद से इसका छिलका उतार लेंगे। तो ये बहुत ही आसानी से उतर जाता है क्योंकि ये रो मैंगो है। आप जैसा भी पीलर हो उससे अच्छे से इसे पील कर लीजिए। तो आप ध्यान से देखिए, हमने छिलके को अच्छे से हटा दिया है। ऐसे ही हम सभी आम के छिलके हटाएंगे। तो आप देख सकते हैं, हमने सभी आम के छिलके हटा लिए हैं। अब हम इसको एक ग्रेटर से ग्रेट करेंगे, यानी कि कद्दूकस करेंगे। तो हम एक एक मैंगो लेंगे और एक ग्रेटर की मदद से ऐसे ग्रेट कर लेंगे। तो आजकल बाजार में कई तरह का ग्रेटर आता है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो उसे ग्रेट कर लीजिए। ऐसे हम ग्रेट करेंगे और इसके बीच की गुठली हम बचा के करेंगे। अगर आम तैयार है तो गुठली हार्ड होगी, वो तो बच ही जाएगी। अगर कच्ची गुठली है तो उस टाइम आप थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि इसमें गुठली नहीं जानी चाहिए, नहीं तो छुंदे की टेस्ट खराब हो जाती है। तो हम समझ के ऐसे इसे ग्रेट कर लीजिए। तो हमने आम को अच्छे से ग्रेट कर लिया है और ये सीड जो बचे हैं, यानी कि गुठली, इसे हम साइड कर दिए हैं। अब हम इसे हटा लेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, ऐसे ही ग्रेट करके अपना मैंगो तैयार होता है। अब हम कढ़ाही की तरफ चलेंगे। तो हमने एक कढ़ाही ले लिया है, अब हम इसमें आम को डाल देंगे। तो ये अपना 1/2 किलो आम हो गया और हमने 1/2 किलो ही शक्कर लिया है। तो इसको हम इसी में ऐसे मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच हम नमक डालेंगे। तो 1/2 किलो कैरी में हम 1/2 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच हल्दी डाले हैं। अब हम सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसे हम शक्कर को कैरी में हल्दी नमक के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होता है, शक्कर अपना घुल जाता है और इसका कलर भी बहुत सुंदर आता है हल्दी डालने से। तो हम इसे 4 से 5 मिनट तक मिक्स करके ऐसे ही छोड़ देंगे। आप ध्यान से देखिए, मैंगो के साथ अपना शुगर जो है अच्छे से मेल्ट होने लगा है। तो हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि जो भी बचा है शुगर वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम एक बार इसे देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें शक्कर अच्छे से आम के साथ पिघल चुका है। अब हम इसे गैस की तरफ ले चलेंगे। तो हम गैस की कढ़ाई को रख के और गैस को ऑन कर लेंगे और इसे चलाते हुए हम मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक पकाएंगे। तो हमने मीडियम फ्लेम पे
आम को 5 मिनट तक पकाया, इसमें हल्का सा उबाल आने लगा है। अब हम इसे स्लो गैस पे 10 मिनट तक और पकाएंगे। हमें इतना ही पकाना है कि एक तार की चाशनी बन जाए। तो हम इसे एकदम स्लो फ्लेम पे 10 मिनट तक पकाएंगे, फिर चेक करेंगे। हमने 10 मिनट तक एकदम स्लो गैस पे आम को पकाया है। अब हम फ्लेम मीडियम कर देंगे और चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक और पकाएंगे, क्योंकि हमें छुंदे में एक तार की चाशनी तक तैयार करनी है। अब हम ऐसे चलाते हुए और 3 से 4 मिनट ही पकाएंगे, ज्यादा नहीं पकाना है, फिर हम चेक करेंगे। तो हमने 4 मिनट तक तेज फ्लेम पे पका लिया है। अब हम छुंदे को चेक करेंगे। तो ऐसे हम छुंदे के चम्मच को निकालेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम अंगुलियों से ऐसे रस लेंगे और हाथ से ऐसे चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं एक तार की चाशनी अपनी तैयार हो रही है। इस स्टेज पे हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और छुंदे को फिर से चला देंगे कि पेंदी में लगे नहीं। तो कड़ाही में छुंदा अपना थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आपको तीखा ज्यादा चाहिए तो 1 चम्मच कर दीजिए, तीखा कम चाहिए तो इससे भी कम डालिए, क्योंकि मिर्च से कलर बहुत बढ़िया आता है छुंदे में। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जीरा पाउडर। जीरा को हमने भून के सिलबट्टे पे पीस लिया है, तो ये हल्का बना जीरा पाउडर है और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको एक बात का ध्यान रखना है, कोई भी बर्तन हो या सामान हो उसमें पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो अपनी छुंदा जो है लंबा टाइम तक नहीं चलता है। तो फाइनली अपनी छुंदा बनकर तैयार है। इसे हम ठंडा होने देंगे और एक कांच की बर्नी को धूप में सुखा के उसमें हम स्टोर करके इसे महीना, 2 महीना, 4 महीना, बहुत लॉन्ग टाइम तक ये चलता है। तो चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये बहुत ही बढ़िया छुंदा बनकर तैयार हुआ है। इंस्टेंट छुंदा बनकर तैयार है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। इसे आप रोटी, पराठा, थेपला, पूरी के साथ खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इंस्टेंट छुंदा आप जरूर बनाइए। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।